फिर होगा कोटेदारों का निश्चितकालीन हड़ताल। अगर सरकार इस बार हम कोटेदारों के मानदेय पर मोहर नहीं लगाई तो पूरे बिहार को इस बार हम लोग बंद करने का काम करेंगे। इस बार कोटेदार इतना नाराज है दोस्तों की उनकी नाराजगी का हम इस वीडियो में आप लोगों को बयां करने वाला हूं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जो भाई लोग वीडियो पर नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण व विभाग के मंत्री लेसी सिंह विभागीय सचिव डॉक्टर एन सरवण कुमार जी से मिलकर विभागीय स्तर पर निर्गत सितंबर 2024 में खाद्यान्न में गलत आवंटन पर रोक लगाम, अनेकर मई जुलाई 24 के वितरण के आधार पर पुनः सितंबर 24 का सही सही आवंटन दिया जाए। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री से मांग किया जाएगा कि बिहार के 38 जिला के जन वितरण विक्रेता को डीलर मार्जिन मनी के स्थान पर मजदूरी के तौर पर गुजरात सरकार के तर्ज पर प्रति माह 30,000 रुपया माहवार मानदेय लागू किया जाए। इसकी सफल तैयारी में लगातार संपर्क कर रहा हूं और इसकी सफल तैयारी हो इसके लिए बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश कमेटी के साथ साथ प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद उपाध्याय के नेतृत्व वाली कमेटी के आह्वान पर बिहार के 38 जिला के सभी प्रखंडों के जन वितरण विक्रेता झारखंड में हुए चरणबद्ध आंदोलन हड़ताल प्रदर्शन के तर्ज पर 0% ट्रांजैक्शन कराने के लिए तैयार हो जाए।